2024-25 के बजट पर आपके तरफ से बोलने का मौका मिला है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ से समय मिला है। धन्यवाद करता हूं आपको। एनडीए और भाजपा के कुछ सदस्य अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, नाल मढ़ा रहे थे कि हम बहुत किसानों के हितैषी हैं। महोदय, 10 साल से केंद्र में सरकार है और समस्या वही के वही पड़ा रह गया है। युवा बेरोजगार है तो पेपर लीक होता है। अब ये कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। कैसे हितैषी हैं? इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीब दलित आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है और 1 साल में सरकार की तरफ से कहा गया था कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे। 10 साल से सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, यही हमेशा होता है। महोदय, कुछ नहीं होता है। यह बजट सरकार बचाओ बजट है। यह बजट किसानों के लिए गारंटी नहीं है। राज को चिन्हित कर बजट किया जाता है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र सोनभद्र, रावसगंज, चंदौली के चकिया, नौगढ़, तमाम जगहों पर देखेंगे तो अभी संसदीय क्षेत्र के जो ब्लॉक है, तहसील है, वहाँ पर ऐसा कॉलेज नहीं है कि जो गरीब के बच्चे, आदिवासी के बच्चे अपने घर द्वार परिवार में रह करके IAS PCS बन सके, दरोगा बन सके, BDO बन सके। सब लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में समझे कि 70 साल 76 साल आज़ादी के बाद भी किस परिस्थिति में लोग अभी जी रहे हैं। महोदय, किसानों की बात करने वाले क्या ये बताएंगे, जिस जिले में बारिश नहीं हो रही है वहाँ सूखा घोषित करेंगे? कई जगह ऐसा है कि बाढ़ आया हुआ है, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र रावसगंज सोनभद्र में सूखा पड़ा हुआ है और इतना ही नहीं, पानी पीने तक बहुत परेशानी हो रहा है। मित्रों, आपसे अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कोटा का राशन मिलता है गरीबों को, वैसे किसानों को अंगूठा लगवा करके लाइन में खड़ा कराया जाता है और खाद बीज नहीं मिल पाता है। कितना परेशानी हो रहा है। आप कहेंगे कि हम किसानों के हितैषी हैं, याद करिएगा, इसलिए नहीं मिलता है कि सर्वर डाउन रहता है, अंगूठा लगवा कर बैठे रहते हैं। 200-300 किसान खाद नहीं पा पाते हैं, रोपनी नहीं अपने कर पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सोनभद्र, चंदौली और अन्य जिला में सूखा घोषित कर किसानों को ऋण वसूली रोका जाए और कम ब्याज पर पैसा देकर आर्थिक स्थिति सुधारा जाए। किसानों को हितैषी बताने वाले एनडीए के पार्टी के लोग करेंगे, नहीं करेंगे? चूँकि ये लंबी लंबी बात करते हैं, अभी तो हमारे बिहार के पलटू चाचा के पार्टी के बोल रहे थे, लल्लन सिंह जी। हम आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार गारंटी तो कर लीजिए, क्यों नहीं गारंटी करते हैं? हम आप एक हम पार्टी के सदस्य, एक मिनट, ये पलटू चाचा जो शब्द अब यूज किया है इसको हटा दिया जाए। मैं सर लिखा हूं महोदय, किसानों के हितैषी बताने वाले एनडीए के
भारतीय जनता पार्टी के लोग सुने ध्यान से कि जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा, जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा, किसानों को MSP गारंटी करेगा और देगा समय से बिजली खाद पानी, वही तो किसानों का नेता रहेगा, वही तो किसानों का नेता रहेगा। महोदय वहीं तो बहुत बोलना शुरू किए हैं, नहीं समाप्त कीजिए थोड़ा सा। महोदय युवा बेरोजगार है, लाचार है, गरीब परेशान है, सभी लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की बाजार जाने वाली है और अखिलेश भैया आने वाले हैं। अब बहुत कुछ नहीं कहूँगा। जय समाजवादी पार्टी, जय अखिलेश, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद छोटेलाल जी। धन्यवाद श्री राजेश रंजन जी। श्री राजेश रंजन जी, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले कुछ वर्ल्ड इनक्वालिटी डेटाबेस का ताज़ा रिसर्च के मुताबिक भारत में असमानता अपने 100 साल शिखर से ऊपर पहुंच चुका है। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराजन कहते हैं कि भौतिक पूंजी पर जोर देने के साथ साथ मानवीय पूंजी के निर्माण पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, जिसको नहीं दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार